आमतौर पर लग्जरी और प्रैक्टिकलिटी ये दोनों मैच करना मुश्किल होता है, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक डाल दें तो फिर ऐसी कार की प्रैक्टिकलिटी तो थोड़ी सी और मुश्किल होती है, लेकिन आज की स्टोरी में नहीं। नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का एक इलेक्ट्रिक रिव्यू में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए BMW की लेटेस्ट i4, जो एक ऐसी कार है जो लग्जरी ब्रांड की भी है, इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसका रेंज जो टेस्टेड रेंज है वो लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, 590 किलोमीटर तक जो है ये रेंज दे सकती है BMW की i4। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में वो रेंज नहीं देगी, लेकिन इवन इफ यू गेट 400 to 450 किलोमीटर्स, आई थिंक वो रेंज एंग्जाइटी वाला जो मामला है वो तो माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन लग रहा है। ऑन पेपर चलाने में कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, और वाकई प्रैक्टिकल है कि नहीं, बाकी एस्पेक्ट वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन वो बताएं इससे पहले आपसे अपील कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो ज्यादती कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, बेल आइकॉन भी दबाइए, और इन केस आपके दोस्त कारों में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लग्जरी कार्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ ये स्टोरी शेयर भी कीजिए। और अब हम चलते हैं इस i4 की तरफ। स्टोरी की शुरुआत ड्राइव से ही करते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या खूबियां हैं, क्या नंबर्स हैं, ये तो हम ब्रोशर में भी देख सकते हैं, लेकिन असली फील तो इमोशनल होती है, खासकर इस तरह की कार में तो और भी ज़्यादा, कि चलाने में कैसी है, फील कैसी आ रही है, एक्साइटिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टोरी में हम वही करते हैं, चलाते हैं इस i4 को और बताते हैं कि कैसी है, एक्सलेशन कैसा है, एक्साइटमेंट लेवल कैसा है, और जो इंडियन कंडीशन में जिस तरह की सड़कें होती हैं वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, डे टू डे लाइफ में इसे चलाने में मजा आएगा या रेस ट्रैक के ऊपर, सब कुछ सबसे पहले वही। लेट्स स्टार्ट। गाइस, इलेक्ट्रिक कार्स में तेज रफ्तार जब हम पकड़ते हैं वहां पर कई बार टॉप स्पीड पे जाके मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता नजर आता है, जो पावर कम होती नजर आती है, लेकिन इसमें नहीं, i4 में नहीं। वैसे हाल फिलहाल में जो हमने कुछ एक लग्जरी ब्रांड्स वाली सुपर कार्स या तेज तरह कार्स हमने चलाई हैं, उनमें एक बहुत अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन नज़र आता है, जो आइस कार्स, पेट्रोल डीजल वाली कार्स होती हैं उनका जो एक पावर डिलीवरी में स्मूथनेस होती है टॉप स्पीड भी जाके, और जो शुरुआती एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक कार्स वाला जो एक्साइटिंग होता है, दोनों का अच्छा मेल मुझे नज़र आता है जो इस i4 में भी मुझे आ रहा है। ट्रिपल डिजिट स्पीड पकड़ने के बाद भी ये जाती रहती है और पूरा जो डिलीवरी है ताकत का वो आपको काफ़ी लीनियर नज़र आता है, और उस हिसाब से मुझे इसकी ड्राइव स्ट्रेट लाइन में तो काफ़ी मज़ेदार, और जो पावर डिलीवरी है, एक्सेलरेशन है, मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रही है। गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। अचानक से बारिश ने इसके स्पीड के साथ ट्रैक्शन को भी टेस्ट कर लिया है, और वहां मैं कहूंगा बहुत ही पकड़ के साथ ये चिपक के चलने वाली एक टिपिकल BMW आपको लगेगी। सो आवाज के अलावा मैं कहूं इसके परफॉर्मेंस में आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा, एक टिपिकल BMW वाली फील आपको इसमें नजर आएगी, और वही मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग ये खासियत हाल फिलहाल में हमें देखने को मिली, खासकर लग्जरी ब्रांड्स में, जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस जो है, हैंडलिंग जो है, और जो एक्स्ट्रा बैटरी का वेट है, उन सब को कॉम्पनसेट अच्छे से करके इसके डायनामिक्स के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार काम किया जा रहा है, एंड आई रियली लाइक द वे दिस ड्राइव्स। स्टीयरिंग बिल्कुल प्रिसाइज, क्रिस्प, और जो एक्स्ट्रा वेट वाला जो भी इशू इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, फिलहाल जैसे मैंने बताया कि हाल फिलहाल की कार्स में अच्छा कॉम्पनसेट किया जाता है, तो उस हिसाब से सस्पेंशन भी मुझे ज़्यादा रिजिड नज़र नहीं आ रहा है। सो इंडियन कंडीशन के हिसाब से भी अगर मैं अंडुलेटेड रोड्स कहूँ, वहाँ पे बहुत ही कंफर्ट के साथ आप इसकी राइड क्वालिटी को देखेंगे, एंड आई रियली लाइक इट। जिस कीमत में कार आ रही है, जिस सेगमेंट की आ रही है, जिस ब्रांड की है, उस हिसाब से जो कम्फर्ट आप उम्मीद करेंगे वैसी आपको इसमें नज़र आ रही है। डायनामिक्स, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इन सभी फ्रंट के ऊपर i4 काफ़ी मज़ेदार लग रही है। You take control.
हम इस तरह की कार्स लेते हैं तो लोगों को बताना भी चाहते हैं, स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसी तेज तर्रार इलेक्ट्रिक कार है और वहाँ पर इसकी आवाज़ शायद उसके साथ इंसाफ करती नजर आ रही है। लेकिन क्या सब कुछ इसमें अच्छा ही है, बेहतरीन ही है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डे टू डे बेसिस के ऊपर जब आप ड्राइव करते हैं, फिलहाल तो हम एक कंट्रोल सिचुएशन में ड्राइव कर रहे हैं एक बंद सड़क के ऊपर, लेकिन रेगुलर इंडियन रोड्स के ऊपर आप जब चलाते हैं तो इसी ग्राउंड क्लियरेंस आपको परेशान करेगी, वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था और मज़ेदार होती ये गाड़ी। जब इलेक्ट्रिक कार्स का वक्त आ रहा है तो बहुत सारी कंपनीज अपने रेगुलर कार जो आइस कार्स हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन के ऊपर बेस्ड जो कार्स हैं, उसी को इलेक्ट्रीफाई कर रही हैं। कुछ एक प्रैक्टिकल हो पाती है, कुछ एक नहीं। हाल में हमने मिनी चलाई थी, उसका रेंज कम था, लेकिन इसके रेंज के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। तो ये जो कार है वो इनकी 4 सीरीज ग्रैंड कूपे के ऊपर बेस्ड एक सेडान आप देख सकते हैं। इस वजह से लुक, डिज़ाइन और फीचर्स लगभग वही आपको मिलेंगे जो उन कार्स में देखने को मिलते हैं। कम से कम बाहर जो है मामला वैसा ही है। आमतौर पर जो इलेक्ट्रिक कार्स में हम देखते हैं, सबसे पहले उनका जो व्हील का डिज़ाइन है, अलॉय का डिज़ाइन बदल जाता है, वो यहाँ नज़र नहीं आएगा। बहुत ही शार्प, बहुत ही अग्रेसिव या स्पोर्टी मैं कहूँ। यहाँ पर एम सीरीज की बैजिंग या हल्की सी स्टिकरिंग आपको देख रही है। ऑब्वियसली एम कार तो नहीं है रेंज, लेकिन वो फील आपको यहाँ नज़र आ रहा है और जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। दूसरा हिस्सा इसकी किडनी शेप ग्रिल, तौर पर हम हाल फिलहाल के सभी BMW कार्स में एक बड़े ग्रिल को देख रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स में इस तरह के ग्रिल की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन इमेज ब्रांडिंग ऐसी है कि यहाँ पर ये होना शायद ज़रूरी था। और ये मुझे जो शेप है, अब इलेक्ट्रिक कार जब हम जानते हैं कि है तो उस हिसाब से बहुत मैच करती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि जो लुक है आपको एक टिपिकल आइस कार वाला ही देखने को मिलेगा, तो बाहर से आप शायद ही ये बता सकते हैं कम से कम आगे से कि हाँ ये इलेक्ट्रिक कार है। ओवरऑल जो फील है इसमें, चेंजेस क्या किए गए हैं, चेंजेस इसे ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाने के लिए जो चेंजेस हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पीछे से जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ ये ई ड्राइव इसमें लिखा हुआ है, i4 लिखा हुआ है, तो आप पीछे से जब इसे फॉलो करें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक वर्जन है 4 सीरीज ग्रैंड कूपे का या फिर एक इलेक्ट्रिक कार है। वहीं बाहर से एक और एलिमेंट है जो याद दिलाएगा कि जिस ग्रैंड कूपे का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आप रूफ को देखें, बिल्कुल स्लोपिंग लाइन ये रूफ आपको यहाँ नज़र आ रही है और ये अलग से बूट खुलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा का पूरा हैच ही खुलता है। नॉचबैक टाइप की फील आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये काफ़ी जगह भी देता है। फिलहाल हमने ट्राइपॉड रखा हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो सीट है ये 40-20-40 स्प्लिट आपको ये नज़र आ रही है। तो इनकेस आप अपने गोल्फिंग बडीज को थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहें, वहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ जाना चाहें, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल कार भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात हम बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। फीचर्स की जो लिस्ट है वो कितनी लंबी है वो हम आपको बताते हैं। एक तो कूल चीज़, रिमलेस ग्लास। नेक्स्ट कूल चीज़, ये स्टार्ट स्टॉप बटन, और मैं बोलना बंद करता हूँ क्योंकि आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ इसके दबाने के बाद जो आती है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मशीनरी ऑन हो रही है और फील देती है कि हाँ एक इलेक्ट्रिक कार है, एक टर्बाइन टाइप की फील जैसे मूव करता है, वो वाली आवाज़ इसमें दी गई है। आई लाइक इट। इसके अलावा जो खास चीज़ है वो बड़ा सा पैनल आपको देखने को मिल रहा है, कर्व्ड ये पूरा पैनल है, 14.5 इंच के आसपास की इसका साइज़ है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है 12.3 इंच का, आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन जो पूरा डिजिटल है वो देखने को मिल रहा है। इसके डिस्प्ले को अगर देखें तो वहाँ सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है 81% बैटरी बची हुई है और जो रेंज है वो 330 किलोमीटर्स के आसपास अभी भी बचा हुआ है, जबकि थोड़ा सा इसे हमने भगाया, थोड़ी सी मस्ती की है अभी और हम करेंगे। लेकिन इसे आप पूरी तरह से अपने इंफॉर्मेशन या अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ बटन्स हैं जिसमें आप राइट साइड में मुझे देखने को मिल रहा है कॉन्टेंट, नेविगेशन और ऑडियो या म्यूज़िक के ऑप्शन, तो यहाँ से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 आपको ड्राइविंग मोड मिल रहा है, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको प्रो। स्पोर्ट दबाता हूँ तो यहाँ का डिस्प्ले कलर पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है। और फिलहाल ये कंफर्ट मोड है जिसमें एक अर्दी फील है मिट्टी के कलर की, और इको प्रो ये इसमें अगेन थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन का टिंज देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग ड्राइविंग मोड आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हैं, और ये आई ड्राइव जिसमें मोर लेस
जो ये स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, जो मुझे इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि जो टच स्क्रीन्स हैं ड्राइविंग के वक्त मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं, लेकिन फिलहाल काफ़ी कूल आपको ये ज़रूर लगेंगे। ड्राइविंग के वक्त मैं ये सब नहीं करूँगा, और उसके लिए क्या है, ये आई ड्राइव से आप लगभग पूरी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे स्पोर्ट मोड में डालता हूँ, आई लाइक दैट कलर पैटर्न। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ इस स्पोर्ट मोड में, तो यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक कंडीशन, रूट प्रीव्यू, वेदर, कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और पर्सनल असिस्टेंट ए बी एम डब्ल्यू करके आप कनेक्टिविटी से जुड़े हुए जो कमांड्स हैं वो भी इसमें आप दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ओवरऑल डिस्प्ले, रिस्पॉन्स, रेजोल्यूशन, आई रियली लाइक इट। Now let's talk about the dashboard। यहाँ पर पूरी जो फील है वो आपको काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर सरफेस देखने को मिलेगा। बीच में जो वुडन फिनिश है वो आपको काफ़ी प्रीमियम, मुझे तो काफ़ी प्रीमियम यहाँ नज़र आ रहा है। डल मेटालिक आपको हाइलाइट्स दिखेंगे, डार्क बेज आपको एक कलर का पूरा जो लेदर अपहॉल्स्ट्री है वो मुझे काफ़ी कूल, काफ़ी प्रीमियम यहाँ नज़र आ रही है। स्टीयरिंग की बात करें, सॉलिड फील, पूरा राउंड आपको स्टीयरिंग मिलेगा, और यहाँ पे भी मेटालिक जो फिनिशेस हैं डल मेटालिक वो आपको यहाँ काफ़ी कूल नज़र आ रहे हैं। हार्मन कार्टन के आपके साउंड सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, और जो बटन्स की फिनिश जो क्वालिटी है अगेन वेरी सॉलिड। ये वाला जब आप फ्लैप हटाते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, एक यूएसबी ए आपको चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, काफी क्लीन मिनिमलिस्टिक टाइप का लुक आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट की बात करें, सी टाइप यहाँ पर चार्जिंग का एक पोर्ट है, एक लाइट भी दिया गया है सामान रखने की, काफी जगह मेरे ख्याल से नहीं, टैबलेट तो नहीं लेकिन हाँ दो तीन मोबाइल, 10-15 मोबाइल बल्कि आप इसमें रख सकते हैं। वैसे सीट की बात करें तो पावर्ड सीट है ही, जिसमें आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो स्टीयरिंग है उसे आप रेक रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और वो मेरी हाइट के लिए इसे काफ़ी यूज़फुल फीचर बनाता है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें बैठते ही आप लगता है कि एक स्पोर्ट्स कार में आप बैठे हैं, काफ़ी लो आप फील करते हैं, और कार है भी लो। ग्राउंड क्लियरेंस इसका एक ज़रूर मुद्दा मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकलिटी में खलल डालता है, थोड़ा मुश्किल करता है, बिकॉज वो इंडियन रोड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बनाता है। जब मैं सुबह गाड़ी लेकर निकला भी तो मेन्यू में जाके कोशिश कर रहा था कि क्या इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हाल फिलहाल में कुछ एक हमने हाई एंड कार्स में देखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कुछ एक स्पीड ब्रेकर्स मुझे डरा रहे थे, कुछ एक के साथ मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन एहतियात आपको बरतनी पड़ती है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से हाइट जो है इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल कम लगेगी। अब बढ़ते हैं पिछली सीट की तरफ। क्रांति संभव रिवॉर्डिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ BMW i4। और यहाँ पे अगेन जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात मैंने की, स्पेस के मामले में प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी माइनस होती है। एवरेज हाइट के लिए या एवरेज से थोड़े छोटे हाइट के लिए ये आरामदेह मुझे जगह लग रही है। अगर आप थोड़े भी टॉल हैं तो वहाँ पर आपको लेग रूम, नी रूम, फुट मूवमेंट के लिए जो जगह है वो भी आपको कम मिलेगी, और थाई सपोर्ट भी आपको कम लगेगा, जो नी है वो आपका काफ़ी उठा होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके पीछे वजह ये कि इलेक्ट्रिक कार है, बैटरी की वजह से आपका फ्लोर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और वो थोड़ा सा मामला अनकंफर्टेबल करता है छोटे बच्चों के लिए या छोटी हाइट के पैसेंजर्स के लिए। आई थिंक दो लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं हम जो है हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल कार्स में हम इस तरह से उसे ऊंचा उठते हुए देखते हैं। यहाँ पे तीसरे पैसेंजर के लिए मामला जो है वो थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दो लोगों के लिए आरामदेह जिनकी हाइट एवरेज से थोड़ी सी कम है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो स्लोपिंग रूफ हमने देखा था, यहाँ पर स्कूप आउट भी किया गया है इसके रूफ को, लेकिन बावजूद इसके अगर आप टॉल पैसेंजर हैं फिर आपके लिए हेडरूम के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हालांकि तीन आपको हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आइसोफिक्स एंकरेजेस हैं, एसी वेंट है, यहाँ ट्रिपल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल इसमें देखने को मिल रहा है, आगे डुअल जोन है ही। यहाँ पे भी आप सेकंड रो में भी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिए गए हैं, मैगजीन वगैरह रखने के लिए जगह है, बॉटल रखने के लिए एक बड़ी सी जगह है। ओवरऑल जगह है, फंक्शनैलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन अगेन दो छोटे या एवरेज साइज पैसेंजर्स के लिए। तो गाइस बिंदु कहां विश्राम करती है, उसका जवाब स्टोरी की शुरुआत में ही है। इसका रेंज इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है, इसकी कीमत इसको लग्जरी सेगमेंट में अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल बनाती है। पिछली सीट पर स्पेस लंबे लोगों के लिए बहुत नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल
आप एक इलेक्ट्रिक कार के साथ, लग्जरी ब्रांड वाली कार के साथ स्टेटमेंट देना चाहते हैं और रेंज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर इट्स अ गुड प्रोडक्ट, गुड पैकेज।